नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी SMPS सप्लाई में जो PWM IC लगा होता है छह पिन वाला, इसको बिना निकाले और बिना AC पावर दिए हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। दोस्तों इसके लिए हमें दो मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक मल्टीमीटर जो हमारे पास एनालॉग होता है वो, और दूसरा हमारा जो डिजिटल मीटर होता है ये वाला मल्टीमीटर। और दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि हमारे जो मल्टीमीटर जो होते हैं इनमें बैटरी जो होती हैं, और जब खासकर हमारा ये मल्टीमीटर होता है जो जब ये कंटिन्यूटी की रेंज पे होता है ना, तब हमारे ये जो प्रोब है यहाँ पर कुछ DC वोल्टेज भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अब देखिए जैसे ये मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स मैंने जोड़ी, इसको कंटिन्यूटी पे रखा हुआ था और ये जो हमारा मीटर है वो शो कर रहा है नेगेटिव 2.96 वोल्टेज। इसमें दो बैटरी जो होती है 3 वोल्ट की, 1.2 वोल्ट की दो बैटरी होती है, 3 वोल्ट होता है ना, तो वो वोल्टेज जब हम कंटिन्यूटी पे रखते हैं तो इस प्रोब में आ जाते हैं। और आपको ये भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा एनालॉग मीटर होता है इसमें जो नेगेटिव प्रोब होती है वहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आते हैं, और जो पॉजिटिव प्रोब होती है वहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आते हैं। जैसे अभी पॉजिटिव से पॉजिटिव को मैंने जोड़ा हुआ है तो ये आप देख सकते हो कि नेगेटिव 2.9 वोल्टेज जो भी वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। और ये वोल्टेज से हम इस IC को चेक करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि ये IC है जो ये 6 पिन का IC है, आप देख सकते हो, और 6 पिन में इसको अगर हम इसको देखें सर्किट को तो आप ये देखिए 36R ये पिन नंबर 1 ग्राउंड होता है। हमने क्या करना है कि हमारा जो डिजिटल मीटर है ना इसको कंटिन्यूटी की रेंज पे रख लेना है, और ग्राउंड पर इसके जो कंडेंसर ग्राउंड है उसके ऊपर हमने नेगेटिव प्रोब लगा लेनी है, और जो दूसरी प्रोब कंटिन्यूटी वाली है वो 1 नंबर पे हम जब लगाएंगे तो हमें इसकी कंटिन्यूटी 0 ओम आएगी क्योंकि ये ग्राउंड है, और 2 नंबर पर लगाएंगे तो ये मैग में जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर 817 कपलर लगा होता है, ये जो कपलर लगा हुआ है तो कपलर के थ्रू इसका कंटिन्यूटी नहीं आती 2 नंबर। और 3 नंबर पिन है जो वो कई बार तो कुछ सर्किट्स में, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि इस सर्किट में ये देखिए 3 नंबर ओपन किया हुआ है क्योंकि इंटरनली इसमें रेजिस्टेंस रहती है, तो कुछ सर्किट में ये 3 नंबर पिन है जो 100K या 50K के साथ ग्राउंड होती है तो इसकी कंटिन्यूटी आएगी 50K या 100K। और 4 नंबर पिन है जो वो आप देखते हो करंट सेंस पिन है इसकी, 470 ओम के द्वारा ये लो ओम की रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड होती है, ये जो रेजिस्टेंस होती है लोअर ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है इसमें सर्किट में, तो ये आप देख सकते हो कि 0.22 ओम यहाँ पे इस सर्किट में लगाई हुई है, और 470 ओम की रेजिस्टेंस है 470 ओम, और ये 4 नंबर पर इतनी ही कंटिन्यूटी देगी। हम अभी आपको चेक करके दिखाएंगे। और 5 नंबर पिन है जो वो क्योंकि AC पावर सप्लाई से है, ये आप देख सकते हो कि जो इसका VCC पॉइंट होता है, पहले तो इसको जो स्टार्टिंग वोल्टेज आते हैं वो AC से भी आते हैं, तो कुछ सर्किट में ये आप इसको DC से भी दे सकते हो, जैसे इस सर्किट में ये ड्रा किया हुआ है कि ये जो DC हमारा 450 वोल्ट वाला कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें से 3-2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा कर ये यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, इसके अग्जालरी सप्लाई इसको बोलते हैं, जब कंटिन्यूस सप्लाई जो आनी रहती है VCC पॉइंट होता है जो इसका 5 नंबर पिन। और 6 नंबर पिन है जो IC का, वहाँ पर ये जो कंटिन्यूटी आएगी पहले वो आती है क्योंकि यहाँ पे MOSFET के गेट पे लगा हुआ है, तो गेट पर एक 10K की रेजिस्टेंस है, तो ये 10K की रेजिस्टेंस क्योंकि 68 ओम के द्वारा ये आप देख रहे हो ग्राउंड हो रही है, तो हम जब यहाँ पर लगाएंगे और हमारा सर्किट जब सही होगा तो ये 10K की रेजिस्टेंस दिखाएगा, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब आप देख रहे हो कि जो हमारा 1 नंबर पिन है वो डायरेक्ट ग्राउंड है, ये 0 ओम बता रहा है, 2 नंबर पिन है जो हमारा कपलर पे जा रहा है वो मैग में जाएगा, ये देखिए 8.7.9 मैग दिखा रहा है, 3 नंबर पिन है जो इसका NC है इस सर्किट में तो ये भी मैग में दिखा रहा है, और 4 नंबर पिन जो करंट सेंस है मैंने अभी बताया कि वो 510 ओम की रेजिस्टेंस लग रहती है, यहाँ पर वो 1K की लगी हुई है, आप देखिए 1K शो कर रहा है, और 5 नंबर पिन जो VCC वाला पॉइंट है ये भी मैग में जाएगा, और 6 नंबर पिन जो 10K की रेजिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया था ये देखिए 9.9
3.5 ओम बता रहा है, 9K.35K। अच्छा, और ये दिखा बता रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो रजिस्टेंस उसके गेट से ग्राउंड होती है, तो वो उसके कारण ये 10K की रजिस्टेंस लगभग दिखा रहा है। और अब जो जो सारा खेल है इसको देखने का कि IC ठीक है या हमारा नहीं ठीक है, वो यहीं पे है। तो आप देखोगे कि अभी ये जो कंटिन्यूटी दिखा रहा है ये 9.35K ओम बता रहा है, और मैंने इसको अभी पिन को ऐसे ही रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरे पिन दूसरे मल्टीमीटर से मैं जो हमारा जो मल्टीमीटर है एनालॉग वाला, इससे मैं वोल्टेज देने जा रहा हूँ इसके, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 3 वोल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं इसकी प्रोब पर, और ये प्रोब के 3 वोल्टेज है जो वो हम इसके VCC वाले पॉइंट पे जब ही देंगे, और तब आप देखोगे कि इसके गेट पर जो पॉइंट जा रहा है आउट वाला पॉइंट है जो 6 नंबर पिन है IC की, उसमें वेरिएशन आएगी। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप देखिए कि ये जो प्रोब है इसकी नेगेटिव वाली प्रोब, इसमें पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं, और इसकी पॉजिटिव प्रोब है जो वो मैंने ग्राउंड कर दिया है। और यहाँ पे देखोगे कि मैं इसके 5 नंबर पिन पे जैसे ही वोल्टेज दूंगा इसके IC के मल्टीमीटर वाले वोल्टेज 3 वोल्ट, तो यहाँ पर ये जो वेरिएशन आएगी 9.3K की जो दिखा रहा है अभी ये आउटपुट वाले पॉइंट पे, इसके आप देखोगे कि उसका शिफ्टिंग हो गई है। ये देखिए 4500 ओम केबल बता रहा है मैंने, क्योंकि इससे वोल्टेज दिए हैं पॉजिटिव, और 45 ओम वो बता रहा था, पर अब मैं इसको फिर ग्राउंड करूँगा ट्वीज़र के साथ, तो ये फिर के में चली जाएगी। जब मैं इसको इसके पिन नंबर 5 को ग्राउंड कर रहा हूँ जो ट्वीज़र के द्वारा, और आप देखोगे कि ये फिर 9.35K में चला गया। अब मैं फिर इसको वोल्टेज दूंगा, और आप देखोगे कि ये फिर जो वर्क करेगा तो ये ओम में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो PWM IC है वो बिल्कुल ओके है। थैंक यू दोस्तों।